देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं अप्पे, और इसमें डाल रहे हैं सूजी। जितना आपको बनाना होगा उतना आप ले लीजिएगा। और इसमें हम दही डाल रहे हैं। पानी थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसलिए कि सूजी खूब पानी पीती है। अब सूजी को रख देती हूँ 2-3 घंटा रेस्ट करने के लिए। जब रेस्ट कर लेगी सूजी तब मैं इसको बनाऊंगी अप्पे, तब मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे। पहले मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। देखिए इसमें डाल दे रहे हैं इसमें इनो डाल रही हूँ। देखिए इसमें तेल डाल रहे हैं, 1 चम्मच में एक बार निकल जाता है, ज्यादा तेल नहीं लगता है। देखिए दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं, डाल दिए, अब हम ढाल देते हैं। ये अप्पे अब बन चुका है, हम निकाल दे रहे हैं इसको। अब अप्पे हम बना लिए हैं, पूरा मेरा बन गया है। तड़का डाल रहे हैं राई और करी पत्ती। देखिए ये सॉस है, टमाटो सॉस, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। और ये हम इसमें डालेंगे ग्रेवी में शिमला मिर्च, मिर्ची और ये लहसुन और ये है प्याज और ये कुछ मसाला, नमक, थोड़ा सा हम टमाटर भी डालेंगे, जिसको इच्छा वो डालेगा नहीं तो हटा देंगे, उनको अच्छा लगता है इसलिए डालेंगे। देखिए मेरा प्याज भुना चुका है, ज़्यादा नहीं भूनना है, लाल नहीं करना है, थोड़ा सा बस इसका कलर चेंज हो गया। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ शिमला मिर्च, कुछ टमाटर डाल दें। नमक डाल रहे हैं, टमाटो सॉस।
इसमें ये सब मसाले डाल देना है, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला था, थोड़ा मिर्च बस ज़्यादा नहीं, देखिए इसी दो चम्मच से हम ले लिए थे कॉर्नफ्लोर आटा और इसको हम घोल लिए हैं, इसमें डाल देते हैं। देखिए दोस्तों मेरा ग्रेवी तैयार हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे अप्पे, देखिए ये मेरा बन चुका है, अब हम बंद कर रहे हैं गैस को। देखिए मेरा अप्पे बन चुका है और हम अब जा रहे खाने, दे रहे अपने बच्चों को। थैंक यू मैम। और ये हम खाएंगे और मेरा बड़ा वाला बच्चा तो अभी वो टाइम क्लास चल रहा है, वो बाद में खाएगा और उसके पापा भी बाद में खाएंगे। देखिए मैं खा के बता रही हूँ कैसा बना है, बहुत टेस्टी बना है दोस्तों।